आर्मी के लिए हमारे अंदर बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन ये हाल अगर ये करेंगे और ये हाल करेंगे तो हमारे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, अब तो हम गाली दें क्लर्क की। तो क्लर्क वाले भाई साहब आज मिल गए हैं, आप लोग पूछ रहे थे कि क्लर्क वाले से भाई कोई रिव्यू दीजिए, तो इनसे पूछते का एडमिट कार्ड है और फोटो है और निवास है और हाई स्कूल है इंटर है। देख लीजिए दोस्तों, जो देख रहा हूँ टेक्निकल वाला भी कोई मिलता है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। तो उनको तो खासा कायदे से पिलाई हुई है उनकी। अच्छा, अपने गांव में नापिए 69 नापिए 70 मतलब, तो यहाँ एक 70 के ऊपर लिया गया है मतलब। ये अच्छा, ये बता रहे 8 बैच बने हुए थे। 8 बैच बने थे भाई कि आपका कौन सा बैच था? जी डी हमारा 5वां बैच था। ये भाई का 5वां बैच था, तो आपका बैच में क्या हुआ, आपका मतलब आपकी टाइमिंग क्या थी? हमारी टाइमिंग 5:30। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों आज हम आए हैं अरमापुर ग्राउंड में, जहाँ पर अग्निवीर विलो की भर्ती चल रही है, तो कुछ लोग मिले हैं वहाँ, आपको रिव्यू देते हैं क्या रहा उनके साथ अंदर, तो पूछते हैं इन लोगों से। भाई आप अंदर गए थे? नहीं भाई, हम नहीं निकल पाए। आपका क्या रहा अंदर गए थे, आपका क्या रहा पूरा कुछ बताइए। पहले गए यहाँ बैठे रहे और एडमिट कार्ड लेके गए, तो अंदर तक गए तो वहाँ हाइट में हमारे निकाल दिया गया। अच्छा, आप हाइट से निकाल दिए गए, तो आपका सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश पटेल है। कहाँ से हैं? बांदा जिला से हूँ। बांदा जिले से हैं आप, तो आप अंदर और भी गए थे और लोगों देखा कि आपका क्या पहले क्या प्रोसेस कर रहे थे आर्मी वाले, कि पहले डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ आप बताइए। नहीं, पहले एडमिट कार्ड हम जहाँ तक देखा तो एडमिट कार्ड में अंदर घुसे लेते थे, एडमिट कार्ड भर में एडमिट कार्ड देख रहे थे। तो यहाँ पर कोई क्लर्क वाला है? कोई क्लर्क से? अरे भाई, अरे और सारी वहाँ पर निकाल दोगे, यही सर्च कर रहा है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामबरन पटेल। कहाँ से हैं? बांदा से। तो आप किसकी जीडी की देखने आए थे कि क्लर्क की? क्लर्क की। तो क्लर्क वाले भाई साहब आज मिल गए हैं, आप लोग पूछ रहे थे कि क्लर्क वाले से भाई कोई रिव्यू दीजिए, तो इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अंदर क्या हुआ आपके साथ? अंदर तो हमारे तो हाइट में निकाल दिया गया हमें। अच्छा, आपको हाइट से निकाल दिया गया। तो बाकी और कुछ बताइए कि अंदर क्या हाइट मांग रहे हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट देख रहे हैं क्लर्क वालों के लिए, कुछ जानकारी दीजिए। क्लर्क वालों के यहीं पहले गेट से तो अपना एडमिट कार्ड, बस फोटो एडमिट कार्ड में लगी होनी चाहिए बस, फिर अंदर जाते ही जब हाइट से जब बाहर निकल गए तो कुछ नहीं लेते, जब अंदर जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड है और फोटो है और निवास है और हाई स्कूल है इंटर है। देख लीजिए दोस्तों, जो लोग पूछ रहे थे क्लर्क के लिए सर बताइए, टेक्निकल के लिए बताइए, टेक्निकल के लिए मैं देख रहा हूँ, टेक्निकल वाला भी कोई मिलता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। तो बाकी जो भाई ये अंदर का शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमको हाइट से निकाल दिया गया है, तो आगे और कुछ बताना चाहेंगे कि जो आपको ऐसा लगा कि आर्मी वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ आपके साथ, कि कुछ और ऐसा होना चाहिए, कि आप बताएंगे कुछ? और वहाँ का व्यवहार बढ़िया था, लेकिन जो मतलब बच्चे थे अपना अपडेट करा गए थे आधार कार्ड 2 बार 3 बार, तो उनको तो खासा कायदे से पिलाई हुई है उनकी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए कि वहाँ का ग्राउंड कैसा था, आपका कौन सा बैच था ये बताइए। बैच तो नहीं बना, बैच नहीं बनाया गया, हाइट से बाहर निकाल दिया, फिर अंदर हाइट से जब अंदर जाओगे तो अंदर बैच बनाते हैं फिर। अच्छा, हाँ। तो आप किससे थे, आप जीडी से थे कि क्लर्क से? जीडी से थे। आप जीडी से थे, आपका भी हाइट का इशू रहा? हाइट का इशू रहा। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या कि आपकी हाइट सही थी, क्या थी मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या था? क्या है तो हमारी हाइट तो यहाँ एक हम अपने गांव में नापिए 69 नापिए 70 मतलब, तो यहाँ 170 के ऊपर लिया गया है मतलब। ये अच्छा, ये बता रहे हैं कि इनका हाइट जो है, हाइट 170 से ऊपरी हो तो ही जाइए, मतलब आपका हाइट से इशू हो सकता है अगर आपकी हाइट को थोड़ी सी भी कम है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, आपका क्या रहा? इसकी हाइट से निकल गया। मैं तो हाइट से निकल गया हूँ। ये भी भाई साहब हाइट से निकल गए, तो हाइट के देख लीजिए आप कि मतलब कि ऐसे ही नहीं। मैं हाइट से अंदर गया हूँ, ग्राउंड तक गया हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये हाइट से हाइट में पास हो गया, अंदर का एक्सपीरियंस ये शेयर करेंगे, अंदर क्या हुआ? अंदर बहुत बढ़िया ग्राउंड था, 5-8 बैच बने हुए थे। 8 बैच बने थे भाई कि आपका कौन सा बैच था? जी डी हमारा 5वां बैच था। ये भाई का 5वां बैच था, तो आपका बैच में क्या हुआ, आपका मतलब आपकी टाइमिंग क्या थी? हमारी टाइमिंग 5:30। 5:30 इनको दिया था, कुछ लोग बता रहे थे कि काफ़ी मतलब कि 4:55 4 कुछ ऐसे ही टाइम दे रहे थे, तो ये भाई की पूरी टाइमिंग 5:30 बता रहे हैं ये। तो और कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, और हो गया बस, अंदर ग्राउंड बढ़िया। आपका क्या रहा भाई साहब? बस हमारा भी हाइट से हो गया। ये भी हाइट से निकल गया। आपका जीडी था कि? जीडी ये भी थे, तो हाइट का काफ़ी इशू बताया जा रहा है आज। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी दी, टेक्निकल के लिए मैं देख रहा हूँ, आगे अगर कोई मिलता है तो उसके भी अपडेट दूंगा मैं। तब तक कि हमारे चैनल से जुड़े रहने के, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।